यार ये अली अश्तर ना साइकिल पे बैठा, ये किसकी साइकिल है पता नहीं बैठा तो है मजे से। हेलो ये लिखा है गंदा बच्चा टीचर ने लिखा है। चलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, बम बाट हैं? यार बहुत गर्मी है आजकल, हालांकि सितंबर के महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं लेकिन गर्मी है कि खत्म ही नहीं हो रही। पिछले कई दिन से पता है क्या हो रहा है, बादल आते हैं हमारे शहर में और बादल बिना बरसे ही वापस चले जाते हैं। कल भी ऐसा हुआ कि इतने गहरे काले बादल थे आसमान पे और हमें यकीन था कि आज बारिश ज़रूर होगी, लेकिन कोई बारिश नहीं हुई और थोड़ी देर बाद दोबारा सूरज निकल आया था और शदीद गर्मी शुरू हो गई। आज भी बादल तो आए हुए हैं ये देखें, पर अभी इतने गहरे नहीं हैं, लेकिन उम्मीद है कि शायद बारिश हो, क्योंकि कहा तो गया था मेट डिपार्टमेंट की जानिब से कि यार बारिश होगी भाइयों, पूरे पाकिस्तान में बारिश होगी, लेकिन हमारे शहर में तो बिल्कुल भी नहीं हो रही। शयान की जो बैटिंग है ना वो बहुत अच्छी होती जा रही है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितनी जबरदस्त बैटिंग करता है वो। शॉट मारनी है ठीक है, चलो वाह यार शाबाश वाह जी वाह, हो गई बारिश देखा मैंने कहा था ना, सिर्फ बादल आते हैं और अपनी शक्ल दिखा के भाग जाते हैं। अभी भी हल्के फुल्के हैं तो सही, लेकिन धूप पूरी निकली है दोस्तों और बहुत गर्मी है, पसीना ही पसीना आ रहा है। अरे वाह अली अश्तर साइकिल पे बैठ गया, आजा बाबा आजा, चला भी लो यार, चला लो चला लो। यार ये अली अश्तर ना साइकिल पे बैठा, ये किसकी साइकिल है पता नहीं बैठा तो है मजे से। हाँ अच्छा, तो ये इस बच्चे की साइकिल थी जो अली अश्तर इस्तेमाल कर रहा था, क्या बात है बेटा, आराम से गिरना जाओ यार कमेंट बॉक्स में ना बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ से करवाया है और इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स हमारे साथ शेयर कीजिए। तो बहुत बाल गिर रहे थे मेरे और फ्रंट साइड जो है ना मेरी बिल्कुल गंजी हो गई थी, बाल एक भी नहीं मौजूद था यहाँ पे। और ये आप पिक्चर देखिए, ये पिक्चर मेरी हेयर ट्रांसप्लांट से पहले की है और ये लगभग कोई 1.5 साल पुरानी तस्वीर है, इसमें आप देखिए मेरे बाल बिल्कुल नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने मुझे पिछले साल 1 अक्टूबर की डेट दी कि आप इस दिन आके ट्रांसप्लांट करवाइएगा, मैं पहुंच गया और ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये मेरी फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट की है, पहले सेशन की पिक्चर्स हैं जिनमें मैं ट्रांसप्लांट करवा चुका हूँ। पट्टियाँ वट्टियाँ बंधी हुई हैं, देखिए तकलीफ हुई थी, बहुत ज़्यादा पेनफुल ये ट्रीटमेंट होता है और डॉक्टर साहब बता रहे थे मुझे कि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। बहुत अच्छी उन्होंने सर्जरी की मेरी, जाहिर तकलीफ दे एक सर्जरी होती है, ये प्रोसेस होता है, बहुत लोग परेशान भी हो जाते हैं ड्यूरिंग सर्जरी और डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तसल्ली से आराम से सुकून से ट्रांसप्लांट करवाया। और नवीद भाई को देखें क्या कर रहे हैं, नवीद भाई खैर है, क्या हो गया? नई बकरी के लिए, क्या बात है, बड़ी खिदमत कर रहे हैं यार नवीद भाई हमारे जानवरों की हाँ ये तो है, तीन बच्चे दिए, दे दिए, देने वाली है, मैं कह रहा दे दिए बच्चे उसने। हेयर ट्रांसप्लांट के फौरी बाद जो है वो रिजल्ट नहीं आता है, आप ये मत समझिएगा कि आज आपने ट्रांसप्लांट कर दिया और कल से आपके बालों की ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाएगी। इट टेक्स एटलीस्ट 4 to 5 months, 4 से 5 महीने लगते हैं जब आपका रिजल्ट आता है, बालों की ग्रोथ इतनी हो जाती है कि आप फख्र से कह सकते हैं मेरे बाल आ गए। ये पिक्चर देखिए, मेरे दोस्त कहते हैं मैं इसमें ना माइकल डगलस जैसा लग रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता माइकल डगलस कौन था, ये मैं गूगल करके दिखाता हूँ आपको कौन है। अच्छा तो ये साहब है माइकल डगलस, ओके। ये पिक्चर दिखाने का मकसद ये है कि ये तस्वीर हेयर ट्रांसप्लांट के 2 माह बाद की है और 2 माह बाद भी देखिए मेरे सर के जो बाल हैं वो बिल्कुल नामो निशान भी नहीं है किसी भी बाल का। इसकी रीज़न ये है कि जब आप बाल लगवाते हैं ना, ट्रांसप्लांट करवाते हैं, वो जो बाल आप लगवाते हैं ट्रांसप्लांट के दौरान वो 15-20-25 दिन के बाद झड़ना शुरू हो जाते हैं जो नए बाल आपके लगते हैं, एक बार वो सारे बाल गिर जाते हैं उसके बाद उनकी नई ग्रोथ शुरू होती है। दोस्तों मेरे बालों की प्रॉपर जो ग्रोथ हुई ना वो मार्च में हुई और मार्च में तकरीबन 5 महीने हो चुके थे और 5 माह बाद जब मैंने कटिंग करवाई अपने बालों की
तो यार मैं खुद देख के हैरान रह गया कि ये हुआ क्या है मेरे साथ, यकीन नहीं आ रहा था। ये पिक्चर देखिए आप, ये आफ्टर 5 मंथ्स की पिक्चर है, और जब मैंने इसको फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ शेयर किया तो सब बड़े हैरान हुए और सब ने कहा यार वाह। और यहाँ पे दूसरा मैंने ट्रांसप्लांट करवाया, और ये ट्रांसप्लांट मैंने करवाया आई थिंक 13 जुलाई को, जी हाँ 13 जुलाई को इसी साल मैंने करवाया, और अभी इसका रिजल्ट आना है। दोस्तों इस वक्त शाम हो गई है यार, और जो कल मैंने ड्रेस दिया था टेलर को सिलवाने के लिए, उन्होंने मुझे आज रात 8 बजे का टाइम दिया था। थोड़ी देर में मैं निकलता हूँ टेलर के पास, अपना वो अरेबिक ड्रेस लेकर आता हूँ, थोड़ा बहुत घर का सामान भी लेना तो वो भी ले लेता हूँ, शायान भी मैं भी मेरे साथ चले। सो मिलते हैं मार्केट में। रात भी होगी और शायान भी ट्यूशन से वापस आ चुका है, तो अब हम चलते हैं मार्केट और वो अपना अरेबिक ड्रेस भी लेकर आते हैं और कुछ चीज भी लेते हैं शायान के लिए। ठीक है पापा चलें। चलो अरे चाबी तो लगा ली, वाओ बैठो। बस सिर्फ देखने खबरदार जो खरीदारी की बात की तो ठीक है, टॉयज बहुत ले चुके हैं हम आपके बेटा। 2, 3, 4, 8, 8, 8, 8 चार के बाद 8 होता है। हेलो शायन, शायन शायन इधर आओ। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ गंदा बच्चा। टीचर ने लिखा है और 7 स्टार भी दे दिया। ये कैसा गंदा बच्चा स्टार है? ये मिकी माउस के जैसा है। ये है माइलो। हाँ भाई ये क्या खा रहे हो यार? चॉकलेट, चॉकलेट अच्छी है? नहीं आप खाओ, आप बेटा आप खाओ ना, अच्छी नहीं लग रही। तो यार टेलर साहब के पास हम आ चुके हैं और मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि सूट हमारा सिल चुका है। ये रहा अरेबिक टॉप। वाह जी वाह। तो दोस्तों जरा ट्राई कर लेता हूँ मैं, क्योंकि पहली बार इस तरह का ड्रेस मैं पहन रहा हूँ, और इंशाल्लाह आपकी मुलाकात। बहुत शुक्रिया, 24 घंटों से पहले आपने वापस कर दिया वादे को। काम करते हैं यार, भाई ने जबरदस्त काम किया, जो टाइम दिया था उन्होंने उसी टाइम पे उन्होंने मुझे ये कपड़े सी के दे दिए। एक मिल्की ब्रेड दे दें और केक रस दे दें। तो यार दोस्तों रात हो गई है, शॉपिंग भी हो गई है, कपड़े भी उठा लिए हमने, लिहाजा वीडियो को अब यहीं पर हम करते हैं खत्म। शायान अपनी मस्ती में मस्त है, मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और अच्छे से व्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपने अपना फीडबैक लाजमी देना है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।